अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? मैं इंजीनियर इश्तियाक हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल इश्तियाक एंड अब्दुल्ला देख रहे हैं। जी व्यूअर्स, मैं इस टाइम रसूल कादराबाद जो लिंक कैनाल है उसके ऊपर हूं और ट्रैफिक भी काफ़ी रवा दमा है और ये जो एग्जिस्टिंग ब्रिज है इसके ऊपर मैं खड़ा हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है मेरी लेफ़्ट साइड पर। और ये जो कैनाल है ये काफ़ी बड़ी है और इसको हमने इसके ऊपर एक ब्रिज बनाना है डाउन स्ट्रीम साइड पे। तो अभी हम जा रहे हैं रसूल की तरफ जो बैराज है जहाँ से ये नहरें निकल रही हैं जो रिवर जेलम और चनाब से आपस में टाइप होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि बैराज कैसा होता है और कैसे वर्किंग होती है बैराज की और कैसे उसमें से किसी रिवर से ये नहरें निकाली जाती हैं और इस बड़ी नहरों में से फर्दर जो छोटी ब्रांचेज हैं उन नहरों को कैसे निकाला जाता है। तो वहाँ पे हेडवर्क्स होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं, मेन गेट होते हैं। तो ये आपको मैं सारी इसकी ब्रीफिंग देता हूँ। तो इस टाइम हम लोग यहाँ पे साइट पे जितनी भी एक्सरसाइज थी या विज़िट था वो मैंने अपनी साइटों का करके तो अभी फारग हो गया हूँ। तो अभी हम चलते हैं जी वहाँ पर, ये आपको नहर नज़र आ रही है तो अभी हम वहाँ पर चलते हैं और जाके देखते हैं। ये रास्ता जाता है जो रसूल बैराज की तरफ, ये बाज़ार है साइड पे, फिश की जो दुकानें हैं काफ़ी। तो ये साइड की साइड पे हमारी ये जो बड़ी कैनाल निकल रही है ये आपको लेफ्ट साइड पे भी नज़र आएगी। जी व्यूवर्स, इस टाइम मैं हेड रसूल जो बैराज है वहाँ पे आ गया हूँ। तो ये बेसिकली जो जेलम है वहाँ से ये निकलता है दरिया से, ये बैराज है। तो इस टाइम मैं बिल्कुल बैराज के ऊपर हूँ। तो ये मेरे लेफ़्ट साइड पे सारी ये इसकी रिटेनिंग वॉल्स और ये फ़िश लैडर पीछे नज़र आ रहा होगा आपको। और ये सारा एरिया जितना भी है यहाँ से नहरें निकलती हैं तो ये पीछे सामने वो सारे जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं पीछे, ये सनसेट देखे पीछे कितना अच्छा नज़र आ रहा है। तो ये पूरा दरिया है मेरी लेफ़्ट साइड पर, राइट साइड पर, और ये बड़ा प्यारा व्यू है इसका जो आपके लिए मैंने कहा कि ये आपको दिखाते हैं। व्यूअर ये देखें कितना अच्छा व्यू है। और ये सामने इसकी फ़िश लैडर होती है और इसके अंदर से ओपोजिट डायरेक्शन में और ये मछलियां गुजरने के लिए बनाई जाती है। और ये आगे सामने आपको हेडवर्क्स के गेट्स नज़र आ रहे हैं और ये सारा पूरा रिवर है और वो बिल्कुल सामने आपको पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं। व्यूअर ये देखें जी ये कितनी नहर है इसकी, बिल्कुल ये इसके ऊपर ब्रिज है। ये आपको इसके हेडवर्क्स जो इसके गेट्स हैं वो मैं आपको गेट्स अब दिखाता हूँ कि पानी को पूरे को रोका जाता है। जितना रोक दिया गया पानी हाइट उसकी बढ़ गई है। अब यहाँ पे ये गेट्स लगे हुए हैं, देखें कितने बड़े बड़े गेट्स हैं। और ये मैकेनिकल गेट्स हैं सारे के सारे और ये थ्रू आउट लगे हुए हैं। वो एक वो दूसरी तरफ है वो भी सामने नज़र आ रही है। थ्रू आउट चारों साइडों पे ये लगे हुए हैं और ये इस रोक को दरिया के पानी को रोक के फिर इसमें से ये डिफरेंट साइड की जो नहरें निकाली हुई हैं। ये व्यूअर जितनी भी ये नहर के जो निकालने का निज़ाम है वो ये होता है कि आप पूरे पानी को आप इसको आप लिफ्ट करते हैं दरिया के पानी को, ये पीछे पानी अप हो रहा है और इसके बाद इसको जो हाइट बढ़ जाएगी पानी खड़ा हो जाएगा और फिर उससे ये नहरें जो हैं ये दरिया से ऊंची होती हैं। तो फिर ये वहाँ से गेट्स लगा के पानी थोड़ा थोड़ा सा इसमें से निकालते हैं और डिस्चार्ज करते हैं और ये फिर नहरें ग्रेविटी फ्लो के थ्रू से चलती हैं। ये देखें जी सारे पिकनिक पॉइंट्स हैं, वो उसके बेस हैं ये डिफरेंट चारों तरफ मेरे। ये रसूल जो बैराज है ये बिल्कुल नज़र आ रहा है जी चारों तरफ, वो बड़ा अच्छा पिकनिक पॉइंट है। ये मैंने आपको सारा ये विज़िट करा दिया। ये अभी इसको बंद करेंगे नहरों को और उसके बाद फिर अभी 26 से 13 जनवरी तक ये बंद होगी नहर। जी व्यूवर्स, यहाँ पे मेरे कैमरामैन जो हैं ये मेरी वीडियो बनाएंगे और क्योंकि मैं ख़ुद थोड़ा सा वीडियो दिखाना चाह रहा था
ज़रा सैर करते हुए, तो वो मेरे जो कैमरा मैन है वो मेरी ये सारी वीडियो शूट कर रहे हैं। अब मैं ये आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये सामने मैं हेडवर्क्स के जो गेट्स हैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। ये सारे हेडवर्क्स के गेट हैं और ये सामने रिवर जो है हमारा वो भी नज़र आ रहा है। ये इसका कंट्रोल रूम है जो यहाँ से इसको चेक करते हैं, सिक्योरिटी वाले का जो सिस्टम है वो है। और ये जो भी आपको नज़र आ रहा है ये इसके बेस और इसके जो गेट्स हैं, रेगुलेटर जो हेडवर्क्स के हैं जो पानी को कंट्रोल करते हैं। और यहाँ से मैं नीचे आ रहा हूँ और ये जो गेट्स होते हैं इसको थोड़ा सा खोला हुआ है और ये देखें नहर में कितना डिस्चार्ज आ रहा है। इसको कैलकुलेटेड होता है कि उसी के हिसाब से, तो जब सैलाब के दिन होते हैं तो सारा खोल देते हैं। तो ये एक पिकनिक पॉइंट जो है ये आपको नज़र आ रहा है सामने, और ये वहाँ सामने दूर तक ये पिकनिक पॉइंट है। और यहाँ से ये मैं नीचे भी जाऊँगा अभी आप देखेंगे। ये देखें मैं नीचे आ गया हूँ, बिल्कुल नीचे पानी के पास जाके अब मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या इसकी। बड़ा अच्छा पॉइंट था ये जो मैं अभी आपको फर्दर भी नज़र आएगा। ठंडा और साफ पानी है वहाँ पे, जिसके गेट नज़र आ रहे हैं सारे के सारे इस कैनाल का। तो इसी तरह से दूसरी साइडों पे और भी कैनाल्स निकल रही हैं। तो ये इसकी सेटलमेंट भी पीछे आपको नज़र आ रही है, इसकी जो स्टोन पिचिंग की हुई है। अभी हम आगे जा रहे हैं। तो नाज़रीन मैं अभी नीचे उतरने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए कितना मुश्किल रास्ता है। तो मैं काफ़ी नीचे जाने की ट्राई करने लगा हूँ, आप भी देखें, अल्लाह खैर करे अब नीचे जाने की कोशिश करेंगे। ये जाल लगा हुआ है और ये बंदा लगा रहा है फिश पकड़ने के लिए, और ये स्टिक्स भी हैं, ये वो दो बंदे बैठे हुए हैं। ये ब्रिज के अंदर से जितना पानी निकलेगा ये आपको थ्रू आउट नज़र आ रहा है, ये थ्रू आउट नज़र आ रहा है। और ये नहर बंद होने वाली है और इसके साथ ये मछली वाले लगे हुए हैं पकड़ने के लिए। नीचे जाना थोड़ा सा टफ है, ये देखें काफ़ी डाउन है एरिया, जाना मुश्किल है, इसलिए फिर हम ट्राई करें कि हम ना जाएं वहाँ पे, और रिस्की है थोड़ा सा। जी व्यूवर्स, मैं बड़ी तेज़ी से निकला हूँ क्योंकि रास्ता मोटरवे का बंद ना हो जाए। और ये नीचे बिल्कुल नीचे रिवर में नीचे हम चले गए थे मछली के चक्कर में देखने और सारा। अभी मैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ। तो ये मेन जो हेडवर्क्स हैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ। तो नाज़रीन बड़ा प्यारा व्यू है और ये जो इस पे आना चाहिए बच्चों को लेके, पिकनिक पॉइंट बन सकता है बड़ा अच्छा। लोगों में अवेयरनेस नहीं है और ये ऐसे लोग ऐसे इधर उधर फिर रहे हैं। बकायदा यहाँ पे फ़िश फार्मिंग हो और बकायदा यहाँ पे टूरिज्म पॉइंट्स हों, बड़ा अच्छा सनसेट का व्यू भी है और बड़ा मौसम भी बड़ा अच्छा है, ठंडा ठंडा मौसम है और बेहतरीन यहाँ पे हेडवर्क्स है और ये अल्लाह ताला के नज़ारे हैं और ख़ूबसूरत ये पानी, दरिया साफ़ सुथरा पानी है ये झेलम रिवर का। बड़ी बड़ी नहरें हैं, बड़े बड़े हेडवर्क्स हैं, मछलियाँ नज़र आ रही थी और बड़ा ख़ूबसूरत व्यू है। मैं आपको दूसरी साइड पे भी दिखाता हूँ। ये देखें बिल्कुल ये हेडवर्क्स की पानी बिल्कुल स्लो हो गया हुआ है। दरिया का पानी तो चलता रहेगा लेकिन ये रिवर की जो कैनाल्स हैं ये बंद करते हैं इसको क्लीनिंग के लिए या बाल सफाई के लिए। तो ये सारी एक ये नहर लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रही है, वो सामने रिवर है, वो सीधा टोटल रिवर है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर इसका साइज़ है। और वो दूसरी साइड पे कोई नहर नहीं नज़र आ रही और ये पीछे सामने आपको थ्रू आउट ये रिवर है, ये रिवर है झेलम का। तो जी ये बड़ा अच्छा विज़िट था हमारा, प्रोजेक्ट पे भी देख लिया, रसूल बराज का बड़ा शौक़ था वो भी देख लिया और चीज़ें भी देखी, नेचर देखा, बड़ा अच्छा व्यू है। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और काइंडली इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए यहाँ सैर करने आएँ। शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।